पश्चिम बंगाल में टीम ममता बैनर्जी में फेर बदल हो चुका है। खास बात यह है कि इस दौरान तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने पार्थ चैटर्जी के बाद राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे परेश अधिकारी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। खास बात यह है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में अधिकारी का नाम भी आता रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ से जिम्मेदारी छीन ली थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित घोटाला मामले में पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया है। ममता बैनर्जी सरकार में राज्य मंत्री रहे अधिकारी पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने अवैध तरीके से अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में शिक्षक के तौर पर नियुक्त कराया था। इस मामले में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज है। साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय की तरफ से भी उनकी बेटी को नौकरी छोड़ने के आदेश दिए जा चुके हैं। मई में कोर्ट के तरफ से जारी आदेश में अधिकारी की बेटी को 2 साल की सैलरी भी लौटाने के लिए कहा गया था। आरोप है कि SSC की तरफ से लिस्ट में हेरा फेरी के बाद अंकिता को नौकरी मिली थी। CM ममता बैनर्जी इससे पहले घोटाला मामले में ED की जांच का आज का सामना कर रहे पार्थ चैटर्जी को भी बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं। चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को ED ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार किया। जांच के दौरान मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए, साथ में कई किलो सोना भी। आपको बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें परेश चंद्र अधिकारी को शिक्षा मंत्री के पद से तत्काल हटाने की मांग की गई थी, जो कि करोड़ों के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर विवादों में है। राज्य के BJP नेता प्रदीप्त अर्जुन द्वारा मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई थी। अपनी याचिका में BJP ने तर्क दिया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के पहले के आदेश के बाद ये संदेश से परे साबित हुआ है कि अधिकारी ने अपनी बेटी अंकिता अधिकारी को अवैध रूप से उच्च माध्यमिक राजनीति विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए अनैतिक तौर से अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अदालत के आदेश के बाद अंकिता अधिकारी को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया और कूच बिहार जिले के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा लिया गया वेतन भी वापस करना पड़ा, जहां परेश चंद्र अधिकारी विधायक हैं। खंडपीठ ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया और मामला 5 अगस्त को सुनवाई के लिए आ सकता है। इस बीच राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी से भी उनके सभी मंत्री पद छीन लिए गए, क्योंकि उन्हें 23 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने WBSSC भर्ती अनियमितता में उनकी कथित संलिप्तता के कारण गिरफ्तार किया था। तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी के अलग अलग पदों से भी मुक्त कर दिया है। चैटर्जी पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि वो साजिशों का शिकार हैं। अब परेश अधिकारी को भी ममता बैनर्जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।